साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब यहाँ से तीन फार्मूला निकलेगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट नंबर वन फार्मूला। अब इस फार्मूला से हम तीन फार्मूला निकालेंगे, जैसे अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एल एच एस पार्ट हो गया, और इक्वल टू में जो वन है वो हो गया आर एच एस, यहाँ पे जो हो गया ये हो गया एल एच एस, एंड ई हो गया ई वाला आर एच एस हो गया। अब यहीं से तीन फार्मूला निकलेगा कैसे, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है, तब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एल एच एस में रखेंगे एंड कॉस स्क्वायर थीटा को आर एच एस में कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एंड अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम सेपरेट कर लेंगे। इस अब सेपरेट करने से पहले एक और फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा कि केवल साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, स्क्वायर हटा देंगे, जब किसी भी इक्वल जब रहता है जो भी समीकरण दिया हुआ है इसमें इक्वल में है, तब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तब साइन स्क्वायर थीटा अब केवल लिखेंगे साइन थीटा, एंड जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को एल एच एस में रखेंगे। अब आइए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड अब कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे सिंपल में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ई वाला हो गया थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। सेम ये हो गया एल एच एस, ये हो गया आर एच एस। अब एल एच एस में भी दो पार्ट है, एक पार्ट को हम सेपरेट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस, और जब इक्वल के उस साइड आर एच एस में कोई भी जाता है तो अगर उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर है, हम अब सेक लेंगे, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इक्वल के उस साइड जाता है आर एच एस में, आर एच एस में जब जाता है तो उधर रूट चढ़ जाता है स्क्वायर के बदले, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर के बदले यहाँ पे रूट चढ़ा है, ठीक है। अब एक फार्मूला ही हो गया, अब यहाँ पे टेन स्क्वायर को हम सेपरेट करेंगे, टेन स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो कैसे होगा आइए देखते हैं। अब वो हम टेन स्क्वायर थीटा को सेपरेट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को तो कर लिए हैं, अब टेन स्क्वायर थीटा को सेपरेट करेंगे, तब देखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में तो उस साइड कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा आप थी इक्वल में वन है प्लस वन है, जब इक्वल एल एच एस में लाएंगे अर्थात इक्वल को एल एच एस में आएगा तो वो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू आई प्लस माइनस, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हम हटा देंगे, इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हम टेन केवल टेन थीटा को अब सेपरेट करेंगे, स्क्वायर को उस साइड करेंगे अर्थात उधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, यहाँ पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ पे आपका मेन मेन फार्मूला कौन सा हो गया, इधर आइए, एक फार्मूला ई वाला हो गया, आपका ई वाला हो गया, इसमें लगभग सारा फार्मूला आपका बहुत काम आने वाला है, टेंथ में लगभग इससे नहीं है जिसमें त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्ट फार्मूला से। अब आज यहाँ से ई भी एक बहुत इसका भी डायरेक्ट यूज होगा, इसका होगा, इसका होगा, आपका इसका होगा, इसका भी होगा, फार्मूला पढ़ लिया, एंड तीसरा का फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब देखिए इसमें एल एच एस में दो पार्ट है, आर एच एस में वन पार्ट है, एल एच एस में जो दो पार्ट है उसको अलग अलग हम सेपरेट करेंगे जिससे नया नया फार्मूला तैयार होगा। अब आइए देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे वन, अब जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है इसको हम एल एच एस से आर एच एस में अब भेजेंगे तो वन यहाँ पे माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसिक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चल जाएगा। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे या इधर ही रख देंगे, उधर भेजते हैं। चलिए अब आ जाइए, थर्ड फार्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा ए माइनस वन, अर्थात आर एच एस से एल एच एस से आर एच एस में आया है, माइनस वन आया है प्लस वन, जब इधर आया है तो माइनस वन हो गया। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब स्क्वायर थीटा माइनस वन है, अब हम केवल कॉट थीटा को हम सेपरेट करेंगे, अर्थात स्क्वायर को एल एच एस से आर एच एस में जब डालेंगे तो वहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट चढ़ जाता है इक्वल के उस साइड। अब देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आज के लिए इतना ही, यह पार्ट वन है, कल पार्ट टू लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए स्वरूप नेचर के साथ, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई भी गलती हुआ हो तो उसको कमेंट में बताएं। फर्स्ट मेन तीन फार्मूला है, उससे हम चार चार ड्राइव किया। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला ई वाला हो गया, एक ई हो गया, एक ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे इससे चार निकला है, इससे चार हुआ है, इससे चार हुआ है। अब आप लोगों को यह आपने कंफर्म कर लीजिएगा, हर कंपटीशन में काम आएगा, केवल बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा, हर कंपटीशन में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन रहता है। चलिए